हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मैथमेटिक्स का सवाल लेके आया हूँ और ये मैथमेटिक्स का सवाल हम इकट्ठे मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले तो स्पाइडरमैन को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया है इंडिया के अंदर। इट हैज़ कलेक्टेड 200 करोड़ इन इंडिया और ओवरऑल बेसिस पे वर्ल्ड वाइड उसका 10,000 करोड़ हुआ है। अब बात करते हैं लोकल इंडियन मूवी की, जो कि है पुष्पा। उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है दोस्तों, उसने 300 करोड़ क्रॉस कर लिए। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि 65 करोड़ जो हैं अकेले, जी हाँ अकेले, हिंदी सर्किट से भी आए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग फीस्ट। अब मेरा सवाल ये है मैथमेटिक्स का कि 300 करोड़ क्या 300 करोड़ हैं पुष्पा के? लगभग लगभग 310 करोड़। एक्चुअली वो 310 करोड़ नहीं है। अगर आप उसको ढंग से कैलकुलेट करो तो मेरे ख्याल से वो 400 करोड़ है। मैं उसका मैथमेटिक्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जिस टाइम पे ये आई थी, जिस तरीके से इसकी प्रमोशन हुई है और लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ हुई है और अपने एंड रन के टाइम के बाद जैसे रिस्ट्रिक्शंस लग गई थिएटर्स के अंदर और इतना ज़्यादा इसको जो हाइप मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जितने ज़्यादा स्क्रीन्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, उन सब वजहों से इसका रिस्ट्रिक्टेड तरीके का परफॉर्मेंस रहा और स्पेसिफिकली हिंदी बेल्ट के अंदर। हिंदी बेल्ट के अंदर ये 100 करोड़ कर सकती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्पाइडरमैन से इसको कंपेयर करें तो स्पाइडरमैन की जो इनिशियल एडवांस बुकिंग आई थी, जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, तो कई कई टिकट्स जो थी 1,000 रुपये, 1,200, 1,500 रुपये में बिकी थी। ज़्यादातर एडवांस टिकट्स 3D वर्जन के अंदर अपने, और उसके बाद 2D वर्जन भी जो था वो 400, 500, 600 रुपए से कम नहीं था। यहाँ जो पुष्पा से अगर इसको कंपेयर करें तो पुष्पा की जो टिकट वैल्यू थी वो नॉर्मल 150, 200, 300 रुपए में आपको इजीली टिकट्स मिल रही थी। यहाँ तक कि कुछ कुछ मैं वर्जन्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 20-20 रुपए में भी, जी हाँ आपने सही सुना है, आज के टाइम में 20-20 रुपए में भी सिंगल प्लेक्सेस के अंदर एक वर्जन के अंदर आपको पुष्पा जो है उसकी टिकट अवेलेबल थी। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, अगर इसकी टिकट्स भी इतनी महंगी होती जितनी स्पाइडरमैन की थी तो ये 500 करोड़ की मूवी होती, ये डबल 2.5 times बिजनेस कर रही होती, आराम से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही होती, काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंडियन मूवीज़ एंड स्टार्स बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि फिर भी ये इतना बढ़िया बिजनेस कर गई, 310 करोड़ के आसपास कर गई है और 310 करोड़ के बाद मेरे ख्याल से अपनी लाइफ टाइम के अंदर थ्रेटिकल बिजनेस मेरे ख्याल से 350 करोड़ तो कर देगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन हर तरह सुनने को मिल रहा है। फिर उसके बाद इसको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है OTT प्लेटफॉर्म से, तो ये काफ़ी मैसिव हिट ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है प्रोड्यूसर्स के लिए, मेकर्स के लिए, अल्लू अर्जुन के लिए, और स्पेसिफिकली तब जब वो एक पैन इंडिया स्टार बन रहे हैं। तो दोनों मूवीज ने बहुत अच्छा काम किया, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पुष्पा आउटस्टैंडिंग रही है। इसलिए आउटस्टैंडिंग रही है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो टिकट साइज आप देख लीजिए, 5 times का तो टिकट साइज का ही फर्क है, मतलब 1,500 versus 300 रुपये, मतलब हायर साइड पे बता रहा हूँ, 20-20 रुपए की भी टिकट मिली है। तो मेरे ख्याल से पुष्पा नीड्स एन अप्लॉज, जो कि हम यूजली इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा नहीं देते हैं। और जो लोग स्पाइडरमैन कर रहे थे, जी हाँ स्पाइडरमैन बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से भी, या अगर मैं कंटेंट वाइज देखूँ तो बहुत बढ़िया कॉन्टेंट है, सरप्राइजिंग कॉन्टेंट है। बट वी कांट जस्ट से कि यार इंडियन मूवीज़ अच्छी नहीं होती, ये मूवी बहुत बढ़िया थी। पुष्पा बहुत ही अच्छा बिजनेस भी करा, विच इज़ शोइंग इन इट्स नंबर्स एज वेल। तो एक छोटा सा एनालिसिस था, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताना।